नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वायल बायोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के जवान मेजर गौरव चौधरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेजर गौरव चौधरी जिन्हें आपने कई बार अपने टीवी या फिर अपने मोबाइल में देखा होगा, जैसे रिपब्लिक डे परेड, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन या फिर कोई अवार्ड सेरेमनी में, पर शायद ही आपने इन्हें पहचाना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेजर गौरव चौधरी अपने खास पर्सनैलिटी और उनके यूनिफॉर्म के साथ उनके लुक के वजह से एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। खासकर महिलाएं और लेडीज के बीच उनकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा फेमस है और उनके ये लुक और इनोसेंस सभी को भा भी रहे हैं और काफी डिफेंस एस्पिरेंट भी उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी किसी मूवी के हीरो से कम नहीं है। उनकी तस्वीरें और वीडियो हर जगह वायरल हो रही है और उनके नाम से कई फेक इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों तक आप जान ही गए होंगे कि हम किस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेजर गौरव चौधरी जो अब एडीसी यानी एडीडे कैंप ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टाफ के अंडर बतौर प्रेसिडेंट की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि एडीसी में जाने के लिए तीनों डिफेंस फोर्सेज में से बेस्ट कैंडिडेट को लिया जाता है और इसे आर्मी में रैंक ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। किसी भी ऑफिसर के लिए एडीसी अपॉइंट किया जाना बहुत ही गर्व की बात होती है। मेजर गौरव चौधरी इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं और उन्होंने कई सारे ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया है और अब वो इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ उनकी रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। हाल ही में मेजर गौरव चौधरी की चार्मिंग पर्सनैलिटी सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड हो रही है, जिनकी वजह से लोग उन्हें और जानना चाहते हैं, खासकर लड़कियां। उनकी सभी फैंस उन्हें फॉलो भी करना चाहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि मेजर गौरव चौधरी आर्मी में मेजर की रैंक पे हैं और उनका कोई इंस्टा या फिर कोई यूट्यूब अकाउंट नहीं है। बहुत से लोगों ने उनके नाम की फेक आईडी बना रखी है। उनकी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है क्योंकि वो इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स से बिलोंग करते हैं, जो कि इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड स्पेशल फोर्स यूनिट है। सुरक्षा के लिहाज से इंडियन आर्मी अपने कमांडो की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी पब्लिक डोमेन में नहीं डालते, इसीलिए कुछ समय पहले उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट कर दिया था और हमें भी इनकी कुछ ही जानकारी मिल पाई है जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। दोस्तों मेजर गौरव चौधरी की हम यूनिट की बात करें तो वो इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की 10 पैरा एसएफ, जिसे हम द डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से भी जानते हैं, और उनकी हम जीते हुए बैजेस की बात करें तो उनको बलिदान बैच, फ्री फॉल कॉम्बैट ड्राइव्स बैच, मैरून बेरेट जैसे कई सारे बैच भी मिले हैं। दोस्तों इन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से अपना ग्रेजुएशन किया है। दोस्तों कुछ समय पहले मेजर गौरव चौधरी की एक फैमिली फोटो काफी वायरल हुई थी। यह देखकर लोग समझ रहे थे कि उस फोटो में दिख रही लेडी गौरव चौधरी की वाइफ है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, वो उनकी सिस्टर है। इस फोटो में उनका भतीजा भी नजर आ रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अनमैरिड है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, वो मैरिड है और उनकी शादी दिसंबर 2019 में हुई थी। दोस्तों मेजर गौरव चौधरी की हम स्पोर्ट्स एंड हॉबीज की बात करें तो उनको फुटबॉल खेलना और ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, और उनकी हाइट की बात करें तो उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर और उनका वेट 70 केजी है। उनकी एज की बात करें तो ये काफी यंग ऑफिसर हैं और उनकी एज अप्रॉक्स 31 ईयर है। तो दोस्तों अगली बार जब आप कोई रिपब्लिक डे परेड या फिर कोई अवार्ड सेरेमनी या फिर कोई प्रेसिडेंट की वीडियो देखें तो आप इन्हें जरूर नोटिस करें। तो दोस्तों ये तो थी इंडियन आर्मी की फेमस एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी मेजर गौरव चौधरी की कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको काफी मोटिवेशन भी मिला होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।